नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनवीर सिंह अपने चैनल वैद्य किंग में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो इनकी पहले भी डाल रखी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लूटा जा रहा है। जो इलाज मिर्गी या दौड़े में देना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, और वो 1 साल, 2 साल या 3 साल उनको कोर्स का नाम दे करके और पैसे लूटे जा रहे हैं। और मतलब कि जब तक खाते हैं तब तक रिलीफ भी नहीं मिलता है, बीच बीच में दौड़े भी आ जाते हैं। तो कहीं जैसे हॉस्पिटलों में या बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास भी जा रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही है और पैसे भी खर्च हो रहे हैं और रोग भी वैसा का वैसा ही है। उनसे मेरा कहना है कि जो लोग मिर्गी या दौड़े से परेशान हैं वो एक बार हमसे संपर्क करें और हमारे यहाँ आकर के जितने कंडीशन का आपका जो रोग है उस हिसाब से दवा बना के दी जाएगी आपको, और आपको पहले दिन से ही आराम मिलने लगेगा। तो दोस्तों, ये पहले भी दवा लेके जा चुके हैं और ये अपना आप बीती बताएंगे। इतने दिन से दवाई खिला रहे थे और कहाँ कहाँ मतलब गए थे, इतने दिन से आप परेशान थे। मैं 4 साल से सर परेशान हूँ और जी 4 साल से दवा खवा रहा हूँ। कई जगह की दवा खवा ली, इसको कोई आराम नहीं मिला है। अच्छा, और मेरे दो आपके ढाई लाख रुपए बरबर हो चुके अब तक, फिर दो भी ढाई कोई आराम नहीं मिला है। महीने की कितने रुपए महीने की महीने दवा की चलती मैंने है, 5-5 हज़ार रुपये महीने की दवा खिलाई इसको, फिर भी लेकिन कोई कोई आराम आराम नहीं नहीं है। मिला है। अभी जो आपको दवा दी उससे आपको कितने पैसे खर्च हुए अभी? मुझसे एक भी पैसा लिया नहीं है और अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक नहीं दौड़ा नहीं हुआ, हुआ है, नहीं हुआ है कि कोई नहीं पैसा होगा खर्च ऐसा, नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। तो ये बच्चा है क्या बेटा, क्या नाम है तेरा? बोल, गगन नाम बता। गगन। तो देखिए, अभी तो इसकी बहुत अच्छी हालत है, आपके सामने खड़ा भी है और इसका दिमाग भी अब काम कर रहा है। जब मेरे पास आया था तो एकदम ऐसा था कि पागल से जिस टाइप के होते हैं ना, एकदम माइंड जैसे कुछ काम नहीं कर लक्षण रहा है। थे इसके अंदर। और अब ये जो है कम से कम बुलाने पर आ रहा है और अपना नाम भी बता रहा है, इसकी मेमोरी स्किल्स भी बढ़ी है। जो हमारी दवा है ये माइंड पर काम करती है, माइंड की नसों को एकदम मुलायम बना करके एकदम उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से दौड़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके 3 से 4 महीने में बंदा एकदम फिट हो जाता है। तो देखिए, आपको अब इसको पढ़ने भेजना आप। ठीक है सर, भेजेंगे इसको। अब इसको कोई दौड़ा तो नहीं हो नहीं रहा नहीं है? नहीं नहीं कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसको। कोई ठीक दिक्कत नहीं, इसको स्कूल में भेजो और इसको खेलने दो बच्चों के साथ, ठीक है इसका सर। माइंड स्किल्स बढ़ने दो, और कोई भी दिक्कत आती है तो हमें, ठीक ठीक है सर, है जी? तो आप कल से इसको स्कूल स्कूल भेजना, कल या परसों से जैसे स्कूल खुलते हैं, और सोमवार मंगल में इसको भेजेंगे। ठीक है जी? तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के आसपास आपके परिवार में या रिश्तेदारी में कोई बंदा मिर्गी या दौड़े से परेशान हो, उम्र कोई भी हो, लेकिन ज़्यादा उम्र होने पर ऐसा होता है कि दवाई कुछ दिन ज़्यादा चलेगी। मान लो कि इसको पहले ही दिन से आराम मिल गया, शरीर कमज़ोर है, तो हो सकता है कि 2-3 दिन में उनकी जो बीमारी है वो कवर हो, लेकिन आराम आपको अवश्य मिलेगा और 3 से 4 महीने में एकदम फिट हो जाओगे। ठीक एक बार आकर के आपकी कंडीशन देखी जाएगी, आपको दवा बना के दे दी जाएगी और आप फिर अपने घर पर खाते रहो। पहले हम 3 दिन की देंगे, 3 दिन के बाद फिर आपकी कंडीशन देखेंगे कि क्या है, उसके बाद आपको 5 दिन की दवा देंगे, फिर उसके बाद आपको 20 दिन की दवा दे देंगे। इस तरीके से आपकी दवाई भी बढ़ाते जाएंगे हम, और आपको फिर हमारे पास ज़्यादा आना भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इसको ये भी पता है कि अब ये बच्चा काफ़ी टाइम हो गए इसको यहाँ पर, तो इसको घर जाने की भी जल्दी है और इसके जो दिमाग है वो भी काम कर रहा है। अब देखिए, अपने पापा हैं से भी अच्छा बात कर रहा है, दोस्तों को भी पहचानता है, खेलता भी है साथ में। देखिए कितना अच्छा अब इनको लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है हमको, बहुत फायदा है सर इसको। है ना? दिमाग भी बढ़िया है दिमाग इसमें। भी तो बढ़िया है, बोल बोल भी ज्यादा रहा है, पहले कम हाँ, बोलता था ये। अब बोल भी रहा है। तो क्या है कि जो हॉस्पिटल में या कहीं भी दवाई दी जाती है वो क्या है कि माइंड को सुन्न कर देती है, तो बंदा ऐसा रहता है उसमें एकदम नशे से में पागल सा रहता है। तो हमारी दवाई ऐसा कुछ नहीं करेगी कि नशा करे या आपके माइंड पर एकदम भारीपन रहे, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। दवाई खाओगे उसके बाद कोई मिर्गी दौड़े की कोई शिकायत नहीं रहेगी, एकदम फिट रहोगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे लोगों को जो पीड़ित हैं मिर्गी रोग से। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नई औषधि के साथ। जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय।